दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, पूर्व विधायक और नई मुंबई के चुनाव प्रमुख है सुमंतराव गायकवाड़ साहब। गायकवाड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं नई मुंबई में, किस तरह से आप चूंकि चुनाव के प्रमुख हैं तो किस तरह की तैयारी आरपीआई की चल रही है यहाँ पर? नई मुंबई महापालिका इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटोले गढ़ के हम प्रमुख हैं यहाँ के। इस नाते से मैं इतना कहूँगा कि आगामी महापालिका निवडणूक रिपब्लिकन पार्टी खुद लड़ने वाली है। 111 सीट है, उसमें से हम रिपब्लिकन पार्टी के वर्ष से कम 50 सीट तो जरूर हम लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक वार्ड में हमारे 500-700 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और 10-15 वार्ड तो हमारे एकदम तंग अच्छे वार्ड है। तो इस चुनाव में महापालिका इलेक्शन में हमारा दोस्ती महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है, तो हम हमारे दोस्त जो बीजेपी है उनके पास हमारी उम्मीदवार की यादी हम लोगों ने दिया है। जो प्रमुख है उनके पास जो गणेश नाइक है और दूसरे जो लोग हैं मन्ना मात्रे और सबके पास हमारी चर्चा भी हो गई, 2-3 टाइम हम लोग मिले भी हैं, उनके साथ बात भी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदास जी आठवले साथ उनकी भी उनके साथ बात हुई है। तो अगला इलेक्शन हम लोग एक साथ लड़ने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि रिपब्लिकन पार्टी का ताकत ये नवे मुंबई में बहुत है। हर एक वार्ड में हमारे लोग हैं और 10-15 वार्ड तो हमारे इतने अच्छे हैं कि हम खुद के ऊपर भी हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें रोकना चाहता हूं। मैं रिपाई जो है सेंट्रल में भाजपा के साथ है। यस। और ऐसे में आपने खुद कहा कि 111 सीटों पर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, साथ में बीजेपी के चुनाव लड़ना है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, हम लोग तो बीजेपी के साथ हमारी दोस्ती है, तो इस चुनाव में हम बीजेपी के साथ रहने वाले हैं। उनके पास भी हमारी यादी दी है। अच्छा। और हम लोगों ने उनको कम से कम 15 सीट तो हमको मिलना चाहिए ऐसी उम्मीद की है। मुझे उम्मीद है कि 10-12 सीट तो डेफिनेट वो लोग हमको देने वाले हैं। तो इनकी बातचीत हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष रामदास जी आठवले साथ के बाद बात हुई है, हमारे साथ भी 2-3 टाइम उनके साथ मुलाकात हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के नेता लोग हैं हमारे साथ दोस्ती करेंगे और अगला चुनाव ये महापालिका का, नवे मुंबई का महापालिका इलेक्शन का अगला चुनाव हम लोग जीत सकते हैं, इतना मुझे उम्मीद है। आपने कहा कि 10-12 या 15 सीट पर तकरीबन आपको मिलना चाहिए, सीट मिलना चाहिए। अगर पिछले चुनाव को गौर करें तो कभी भी रिपाई के किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, चाहे आप महागाड़ी के साथ रहे हों या बीजेपी के साथ अभी फिलहाल हैं। आपको क्या लगता है, क्या नवी मुंबई में जिस तरह का यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर है उसमें दलितों और जो आरपीआई को मानने वालों की संख्या जो बड़े पैमाने पर है और बार बार उसको नेग्लेक्ट किया गया है और इस बार आप प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं? लास्ट टाइम जो हो गया वो तो खुद के बल के ऊपर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, इलेक्शन में दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। और मैं पहले बोला था कि अभी भी हमारे हर एक वार्ड में कार्यकर्ता है, पब्लिक है। मुझे उम्मीद है कि मैं पहला बोला कि 15 तो सीट हमारे इतने अच्छे हैं कि हम खुद के ऊपर भी लड़ेंगे, किसी का दोस्ती भी नहीं करेंगे तो भी हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है।
तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी हमारे साथ दोस्ती करने वाली है और जरूर करेंगे, और अगला चुनाव हम बीजेपी और आरपीआई का युति मजबूत करेंगे और यहाँ की सत्ता हम लोग खींच के लाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में रिपाई के तरफ से? रिपाई के झोपड़पट्टी में हम लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, यहाँ की जो गंदगी है वो रास्ते में जो ये होता है वो सब लोग हम लोग ने तय किया है कि ये सब निकालना चाहिए और एक स्वच्छ मुंबई, स्वच्छ नया मुंबई होना चाहिए, जो यहाँ की मांग है, यहाँ का प्रयत्न है कि स्वच्छ नए मुंबई होना चाहिए, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। प्रतिनिधित्व को लेकर आपको कितनी उम्मीद है कि अगर भाजपा सही जो आपकी मांग है अगर उसको नहीं स्वीकार करती है, 10 से 15 सीट अगर नहीं देती है, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी, हम खुद के ऊपर भी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और वो 10-15 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 तक तो हम लोग जरूर चुनाव लड़ सकते हैं। गायकवाड़ साहब, लंबे समय से मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि रिपाई को जितना मजबूत होना चाहिए था उतने संगठनात्मक तौर पर मजबूत रिपाई नहीं हो पा रही है, उसके पीछे आपको एक सीनियर लीडर के तौर पर आपको क्या कमी नजर आ रही है और क्या आगे की प्लानिंग है? नहीं, यहाँ के हमारी तो पार्टी गरीब पार्टी है, सब पैसे का मामला चलता है और इसके लिए हम लोग थोड़े पीछे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आज की तैयारी है कि कौन से हालत में आरपीआई की ताकत यहाँ दिखाना है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये ताकत दिखाएंगे। और अगले चुनाव में देखो, हमारे अभी 21 तारीख को हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब, उनका यहाँ स्वागत बड़े तौर से होने वाला है, अपने भावे सभागृह में उनका मीटिंग है, उनका स्वागत हम लोग करने वाले हैं, बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है, उनका स्वागत भी हम लोग गेट से करेंगे, तो सब तमाम सब नया मुंबई से हम लोग भी करेंगे। अब मैं ये सवाल पूछने वाला था कि किस तरह की रूपरेखा होगी कार्यक्रम की, जब कैबिनेट मिनिस्टर और जो आपके अध्यक्ष हैं वो अगर आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम उस दिन खास होने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिपाई में शामिल हो सकते हैं क्या? रिपाई में मुस्लिम लोग आने वाले हैं, रिपाई में शिवसेना में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आने वाले हैं, जो, जो जो लोग हमको मिले हैं और बाकी इतर समाज के लोग भी है वो भी शामिल होने वाले हैं, और आठवले साहब के पास भी कुछ लोग मिले हैं, वो लोग भी उस दिन आने वाले हैं, और सब लोग रिपब्लिक पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अगर इस वक्त देखा ना मुंबई में, तो बीजेपी का मुकाबला सीधे महाविकास आघाड़ी के साथ है, जिसमें तीन प्रमुख पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है। गणेश नाइक खुद एनसीपी छोड़ के बीजेपी में गए हैं, आपको लगता है कि रिपाई की अगर ताकत बढ़ती है तो इससे बीजेपी को यहाँ पर सत्ता हासिल करने में मदद ज्यादा मिल सकती है? जरूर मिलेगी। मैं तो पहले ही बोला था कि हर एक वार्ड में हमारे कार्यकर्ता है, हमारी जनता है और सब लोग साथ में है, और मुझे उम्मीद है कि आठवले साहब ने एकदम ऑर्डर किया तो सब लोग हमारे मतदान करते हैं और पार्टी मजबूत करने का काम जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप रिपाई कार्यकर्ताओं को और आपसे आपके जो समर्थक हैं आठवले साहब के इस 21 तारीख के कार्यक्रम के लिए? 21 तारीख के कार्यक्रम के लिए आठवले साहब तो उनका स्वागत बड़े तौर से होने वाला है, रैली निकलने वाली है, साइकिल लोग रिक्शा सब सब सबका बंदोबस्त हम लोगों ने किया है, और बड़े से बड़े तैमान से ये सब घूमने वाली है, सब पूरे नए मुंबई में और एक वातावरण निर्मित करने वाले हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमसे बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से रिपाई ने अपना विजन तैयार किया है, जो संकल्प उन्होंने लिया है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को नवंबर मनपा चुनाव से पहले मजबूती के साथ उसको उभारना है और बीजेपी के साथ मिलकर नवंबई महानगर पालिका में अपनी सत्ता स्थापित करनी है, हम उम्मीद करते हैं कि इस विजन इस संकल्प में रिपाई और बीजेपी सफल हो। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे रूबरू कराएंगे।
तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।